हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का टाइटल है कबूतर का जोड़ा और शिकारी। यह कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई है, जिसके लेखक हैं पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जगह एक लोभी और निर्दय व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घुमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते ही उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका मैं जन्म भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग में दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसे प्रेमी पति का साथ मिला। पति का प्रेम ही पत्नी की जीवन रेखा है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ, यह विचार कर वह पत्नी बोली, पतिदेव मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बंधक बना लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी आप अपना ही जानो। कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। व्याध मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग से कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती हुई आग में कूद गया। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे दिखाने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को भी जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने का जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देख विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरा जीवन किस काम का, मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण दान करूँ। यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश में से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उसी दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि मैं ऐसे कोई और कहानी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।